बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। जयपुर जनपद के मनोहरपुर कस्बे के पास ही के गांव में बघेरे ने किया बकरी का शिकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत नवलपुरा की बुनकर मोहल्ला मामरोटी खुर्द की, जहां पर बघेरे ने किया सुरेश चौहान की बकरी का शिकार, जिससे ग्रामीणों ने दौड़कर बघेरे को भगाया, लेकिन तब तक बकरी मर चुकी थी। कुछ समय बाद ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई और ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी बघेरे ने 20 से 25 बकरियों का शिकार किया है। मौके पर सोहनलाल, श्रवण कुमार, सुभाष, रामधन, मनीष, रामकरण, संतोष, मनी देवी, ममता देवी सहित सुनील, ललित, विक्रम आदि लोग मौजूद रहे। बघेरे के आतंक से एक बघेरे ने बकरी का काफी नुकसान पहुंचाया, उसको घायल कर दिया बुरी तरह से। हम पूछते हैं ग्रामीणों से, ग्रामीण क्या कहते हैं, ग्रामीणों कैसे बघेरे को देखा और बकरी को कैसे छुड़वाया? देखो, मेरा नाम सोहनलाल है, गांव हमारा मामपुरी खुर्द है। कई दिनों से हम देख रहे हैं, कम से कम वर्ष हो गया हमको देखते हुए, काफी बकरियों का नुकसान पहुंचा रहा है। पता नहीं बघेरा है, बघेरे की तरह लगता है वो, और आए दिन कभी किसकी बकरी को उठा ले जाता है, कभी किसकी बकरी को उठा ले जाता है। अभी देखिए हमारे सामने ये बकरी गिरी हुई है, और ये बकरी है हमारे रमेश जी के, एक बहुत ही गरीब परिवार है, रणजीत बीपीएल श्रेणी में आता है, और हमने कई बार मनोहरपुर वन विभाग की टीम को इसके बारे में सूचित कर चुके हैं कि इस बघेरों को पकड़ाया जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसकी। बघेरा जब आपने पहले टीम को बुलाया और उसने टीम ने आपको क्या आश्वासन देकर गई, आपने उससे क्या मांग की जो टीम आई थी? हमने इससे पिंजरे की मांग की थी, उन्होंने कहा था कि आप देखना और बताना, हम पिंजरा जल्दी लगाएंगे, लेकिन कम से कम 2 महीने हो गए अभी तक उन्होंने पिंजरा नहीं लगाया, और आए दिन 10-5 दिन में किसी की बकरियों को उठा के ले जाता है। जो बकरी को उठाया था उसी उससे मकानों की दूरी कितनी दूरी पर है? ये लगभग 100 मीटर की दूरी है, बिल्कुल मकान के पास में। ये देखिए, ये मकान, ये गांव है और ये पहाड़ है, ये बिल्कुल पास में बकरी पड़ी हुई है, नीचे कर रही है, और ये ज्यादा दूरी नहीं है। रात को बघेरा नीचे भी आ जाता है, हो सकता है मान लो कभी किसी इसको बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो रात को कई बार नहीं निकलते, रात को घर आ जाए रात को। ग्रामीण बता रहे हैं कि आबादी क्षेत्र के काफी निकट है, और ग्रामीणों का यह भी कहना है कि हमने पहले वन विभाग फॉरेस्टर आया था, उससे पिंजरे की मांग की, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई पिंजरा नहीं लगवाया। इसी के विरोध में आज फिर बकरी का नुकसान हो गया है, जो ग्रामीण काफी रोष व्याप्त कर रहे हैं। ग्रामीण यह भी बता रहे हैं कि पहले हमने कई बार सूचित किया है, लेकिन अभी उसके बारे में कोई प्रशासन कोई भी जागरूक नहीं हो रहा है। हम पूछते हैं दूसरे ग्रामीण श्रवण कुमार से। समुचित कार्रवाई करनी चाहिए, जो मतलब पूर्व में ग्रामीणों ने इसके बारे में विभाग को अवगत करवाया है, तो उसके ऊपर अभी तक विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है, और यहाँ मतलब पास में आबादी है, तो कभी भी मतलब जंगली जानवर जा कर के आबादी में घुस करके छोटे बच्चों का या किसी ग्रामीण का नुकसान कर सकता है। अभी तो जानवरों को ही मतलब अपना शिकार बना रहा है, लेकिन कल को कोई मतलब किसी आदमी को या बच्चे को उसको भी शिकार बना सकता है, तो इससे पहले कोई ऐसी दुर्घटना हो, इससे पहले मतलब विभाग को उचित कार्रवाई करते हुए समय रहते पिंजरा लगवा करके और जंगली जानवर को पकड़ ले, ताकि ऐसी घटना होने से बच सके। तेरी बात हम बोल देने की दिक्कत वैसे मैं पूछूंगा, देखिए जिनकी बकरियां उनकी घर से महीना आई है, उनसे पूछते हैं इनका आंसर क्या है। और हम तो कैसे पैसे कमा के कहते हैं, पैसे बकरी ले चाय पानी के लिए रखा था, जाने खा जाए जी, घर आने आ जाए जी, काम हो भी गया। जो बोल दे तो बोल दे, जो बोल दे बकरी का सारा था। और कौन बोल रहा है? सभी नगरवासी क्षेत्रवासियों को अरविंद अहिरवार, खैरी प्रधान, सोरापुर, खड़गपुर की ओर से नववर्ष 2020, मकर संक्रांति एवं
गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। संपर्क सूत्र 9621615858। सभी नगरवासियों एवं क्षेत्रवासियों को नवीन सरस्वती ज्ञान मंदिर की ओर से नववर्ष 2020 एवं मकर संक्रांति गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक प्रधानाचार्य सुनील कुमार प्रजापति। संपर्क सूत्र 8953188531।